हमारी पोस्ट ऑफिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप, मैसेजेस, ऑनलाइन ईमेल, इनके कारण धीरे धीरे पोस्ट इरेलेवेंट हो जाए। डाकघर हमारा जो हमारी एक पहचान है, हमने इस डाकघरों को पुनर्जीवित करना, पुनर्ताकतवर बनाने का। डाकघर गरीब और छोटे व्यक्ति से जुड़ा रहता है। सरकार का प्रतिनिधि अगर कोई हिंदुस्तान के सामान्य मानवी से प्यार से जुड़ा हुआ होता है तो वो डाकिया होता है। डाकिया को हर कोई प्यार करता है, डाकिया हर किसी को प्यार करता है, लेकिन उस डाकिये की तरफ कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमने बैंकों को पेमेंट बैंक, हमारे पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक में कन्वर्ट करने की दिशा में काम उठाया है। ये पेमेंट बैंक बनने से एक साथ देश के गांव तक बैंकों का जाल बिठेगा, जनधन अकाउंट का लाभ मिलेगा और सामान्य मानवीय मनरेगा का पैसा भी अब आधार के द्वारा उसके खाते में जा रहा है, करप्शन कम हो रहा है। उसमें ये बैंकों का जो पेमेंट बैंक बनाने में पोस्ट ऑफिस का हमारा काम है, उसका लाभ होगा। क्या आपके या आपके किसी परिचित के जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं जो पीछा नहीं छोड़ रही है? अगर आपका जवाब हां है तो मेरे पास एक सिस्टम की जानकारी है जिसने पिछले 6 महीनों में मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि वही होगा या वैसा ही कुछ होगा जो आज तक आप सुनते आए हैं, तो रुकिए, मैं सबसे पहले यह साफ कर देता हूं कि मैं किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के बारे में बताने नहीं जा रहा हूं। यह ना तो कोई स्कीम है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई हेल्पिंग प्लान है और ना ही कोई कॉइन करेंसी। इसमें कोई प्रोडक्ट भी नहीं बेचना है और न ही कोई रिप्लेसमेंट है। मैं केवल और केवल एक सिस्टम के बारे में बात करूंगा जो धीरे धीरे भारत के हर कोने में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और राष्ट्र सेवा की भावना से उन लोगों को मदद कर रहा है जिनकी मदद करने को कोई तैयार नहीं है। आइए जानते हैं कि ये सिस्टम क्या है। अगर मैं एक प्रश्न पूछूं कि क्या आपको याद है कि आप आखिरी बार पोस्ट ऑफिस कब गए थे, तो शायद आपका जवाब होगा याद नहीं। हमारी नए पीढ़ी को शायद पोस्टकार्ड, डाक टिकट या अंतर्देशीय पत्र के बारे में पता भी नहीं होगा। आइए हम सभी मिलकर भारत के छोटे से छोटे गांव तक पहुंच रखने वाले भारतीय डाक सेवा की और नई पीढ़ी का रुझान बढ़ाएं और इसे जन जन में लोकप्रिय बनाएं और इस सिस्टम के माध्यम से देशवासियों की परेशानियों को कम करने में अपना योगदान दें। क्या आपने कभी ग्रीन ग्लोरी सिस्टम के बारे में सुना है? भारतीय पोस्ट ऑफिस को विदेशी कुरियर कंपनी के मुकाबले में खड़ा करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय डाक सेवा को नंबर एक का दर्जा दिलवाना, यह ग्रीन ग्लोरी का मुख्य उद्देश्य है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति इस सिस्टम से जुड़ सकता है, जिसके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड हो, स्थायी या अस्थायी एड्रेस हो, ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर और सिर्फ 2,200 रुपया हो। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे इस सिस्टम से जुड़ा और यह सिस्टम कैसे काम करता है। मेरे एक परिचित की मदद करने पर उसने अपने फॉर्म में मेरा नाम लिखकर मुझे रेफरेंस दिया। मैं एक बार 2,200 रुपए देकर इस सिस्टम में शामिल हुआ। मेरे ईमेल पर फॉर्म आने के बाद मेरे पास फॉर्म में 4 लोगों को जोड़ने का अवसर था। मैंने केवल एक बार 4 लोगों से 2,200 रुपए लिए और उन्हें भी इस सिस्टम से जोड़ने का निवेदन किया। 4 लोगों से कुल 8,800 रुपए लिए, जिसमें से मैंने मेरे अपने 2,200 रुपए निकाल लिए। बाकी बचे 6,600 रुपए जो लोग सिस्टम में मेरे ऊपर थे, उनमें से 3 लोगों को 1,050 रुपए और 3 लोगों को 1,000 रुपए भारतीय डाक के मनी ऑर्डर द्वारा भेज दिए।
क्रमांक 7, 6 और 5 वालों को 1050 रुपए और क्रमांक 4, 3 और 2 वालों को 1000 रुपए, ऐसे कुल 6150 रुपए उनके लिखे पते पर मनी ऑर्डर द्वारा भेज दिए गए और मनी ऑर्डर की ओरिजिनल रसीद लगाकर फॉर्म स्कैन करके सिस्टम को ईमेल द्वारा भेज दिया। भेजे गए मनी ऑर्डर की रसीद पर लिखे ईएमओ पीएनआर को भारतीय डाक के वेबसाइट पर ट्रैक कंसाइनमेंट में चेक किया जाता है। मनी ऑर्डर की पुष्टि होने पर मेरे द्वारा दिए गए 4 लोगों के नामों को भी सिस्टम में शामिल कर लिया गया। बस मेरा काम खत्म हो गया और उन 4 लोगों को भी यही काम एक बार करना है जो मैंने किया था और अपने अपने 2200 रुपए वापस निकाल लेने हैं और 6150 रुपए का मनी ऑर्डर कर देना है। एक बात समझ नहीं पाया था, 2200 मैंने निकालकर 6150 का मनी ऑर्डर कर दिया, लेकिन बाकी बचे 450 रुपए का क्या करना था? तो मुझे बताया कि जो 450 रुपए बचते हैं उसमें से 310 रुपए मनी ऑर्डर का चार्ज था, 40 रुपए फॉर्म का आगे पीछे का कलर प्रिंटआउट निकाल लेने के लिए थे और 100 रुपए फॉर्म को स्कैन करके ईमेल द्वारा यह फॉर्म कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाने के लिए थे। कुल मिलाकर 450 रुपए होते हैं जो सिस्टम द्वारा अलग से दिए जाते हैं। सिस्टम द्वारा किसी भी प्रकार की कोई फीस या चार्ज नहीं लिया जाता। जब आप सिस्टम में शामिल होते हैं तो आप पहले नंबर पर होते हैं, जिसने आपको इस सिस्टम में जोड़ा था वह दूसरे नंबर पर रहेगा। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने वाला व्यक्ति सिस्टम में उसके ऊपर रहेगा। जब आपको फॉर्म मिलता है तो आपको 4 लोगों को सिस्टम में जोड़ने का मौका मिलता है। जब आप 4 लोगों को सिस्टम में जोड़ते हो तो आपके जोड़े हुए हर व्यक्ति के फॉर्म में आप दूसरे नंबर पर होते हो। 4 लोगों को जोड़ते ही आपको 2650 रुपया निकाल लेने हैं, जिसमें आपके द्वारा की गई मदद के 2200 रुपए और 450 रुपए मनी ऑर्डर का खर्च और अन्य खर्चों के लिए सिस्टम में अलग से व्यवस्था है। आपके लोगों को भी यही काम करना है। जब उनके द्वारा 4 लोगों को सिस्टम में जोड़ा जाता है तो वह 4 लोग आपको 1-1000 का मनी ऑर्डर भेजते हैं। अब आपके साथ 16 नए लोग और जुड़ जाते हैं। 16 लोग भी अपने साथ 4 नए लोगों को जोड़ते हैं। अपने 2650 रुपए निकालकर जब मनी ऑर्डर करते हैं तो आपको 16000 रुपए की मदद और मिलती है। अब आप 64 लोगों के फॉर्म में चौथे नंबर पर होते हैं और नए जुड़े 64 लोग आपको 1-1000 रुपया भेजते हैं, जो 64000 रुपया होता है। फिर 256 लोग आपको 1050 रुपया भेजते हैं और आपको 2,68,800 की मदद मिलती है। अब आप 1024 फॉर्म में छठे नंबर पर पहुंच जाते हो। अब यह सभी आपको 1050 का मनी ऑर्डर करते हैं और आपको 10,75,200 रुपए की मदद और मिलती है। अब आप 4096 फॉर्म में 7वें नंबर पर पहुंच जाते हो। अब यह सभी आपको 1050 का मनी ऑर्डर करते हैं और आपको 43,800 रुपए की मदद और मिलती है और आप सिस्टम में से बाहर हो जाते हो। आपके सिस्टम में शामिल होने के लिए इस प्रक्रिया को पूरा होने तक आपके पास 57,28,800 रुपया आ चुके होते हैं। आप दोबारा फिर से इस सिस्टम में जुड़ सकते हो, लेकिन आपको नए सिरे से नीचे से शुरुआत करनी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके सिस्टम में शामिल होने से लेकर बाहर निकलने तक
आप उन 5,460 लोगों को पोस्ट ऑफिस भेज चुके होते हैं जिन्होंने कई सालों में भारतीय डाक के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था, और इन लोगों के माध्यम से जब तक आपके 57,28,800 रुपयों की मनी ऑर्डर मिलते हैं तब तक आप और आपके साथ जुड़े लोग पोस्ट ऑफिस में 16 लाख से भी ज्यादा का मनी ऑर्डर चार्ज दे चुके होते हैं। और देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में ग्रीन ग्लोरी द्वारा कोई फीस, चार्ज या मदद नहीं ली गई है। है ना अद्भुत, ग्रीन ग्लोरी। तो आइए, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे को जोड़ने वाली भारतीय डाक सेवा का नई पीढ़ी में प्रचार करें, और नई पीढ़ी अधिक से अधिक पोस्ट ऑफिस की सेवा का उपयोग करे, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। खुद की मदद के लिए दूसरों की मदद करें। राष्ट्र निर्माण के इस अनोखे पहल में अपना अमूल्य योगदान दें। धन्यवाद। ग्रीन ग्लोरी, तेरी तो जय हो।